जिन जिन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और आज रांची के कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर राजीव रंजन, डॉक्टर तौसीफ, अन्य के साथ इन लोगों ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एफआईआर जो हुआ है वो स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ हुआ है। इनका क्योंकि कांग्रेस में काफ़ी नाराजगी है इसको लेकर कि अजय कुमार जो कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को लेकर कुछ बातें कहती थी जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत आपत्ति जताई थी। कहा ये द्रौपदी मुर्मू का इंसल्ट है उन्होंने दिया था। अजय कुमार ने यह कहा था कि बुराई जो विचारधारा है उसको रिप्रेजेंट करती है द्रौपदी मुर्मू। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये जो स्टेटमेंट था बहुत तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया गया है और इस हम लोगों को एक कल्प्रिट दिखाने का, हमें गुनहगार दिखाने की कोशिश की गई है। और केंद्रीय मंत्री खुद उस ट्वीट को रिट्वीट करके इस चीज को बढ़ावा देती है तो यहां पर कहीं ना कहीं केस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप सुनिए प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा। सेकंड का बाइट दिया गया, उस बाइट को मॉर्फ करके डॉक्टर्ड वीडियो बना करके देश की जनता और विशेषतः आदिवासी समाज को गुमराह करके भ्रांति फैलाई गई और द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान किया है भाजपा ने। और कांग्रेस पार्टी एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते अब इन सारे विषयों पर चुप बैठने वाली नहीं है। हम हर उस कुत्सित प्रयास का डटकर मुकाबला करेंगे। कानूनन हमने मुकदमा दर्ज कराया है। विडंबना देखिए कि संवैधानिक पद पर बैठी हुई केंद्रीय मंत्री के द्वारा जब इस प्रकार का प्रयास किया जाता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना अति आवश्यक हो जाता है। स्मृति ईरानी जी को कम से कम इतना समझना चाहिए था कि ये राष्ट्रपति पद का चुनाव है, इसमें इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। वैसे अमित मालवीय की तो ये आदत हो चुकी है, आईटी सेल के प्रमुख, और प्रीति गांधी जी के द्वारा भी लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम इनके विरुद्ध में यहाँ एफआईआर दर्ज करेंगे। उसी निमित्त आज हम सारे कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराने का काम किया है पूरे साक्ष्य के साथ। पूरे उस वीडियो की कॉपी भी हम लोगों ने पेन ड्राइव के जरिए थाने में दर्ज करा दी है। हम चाहते हैं कि ऐसे सभी लोगों का सोशल मीडिया का जो हैंडल है उसको ब्लॉक किया जाए और ताकि वो आने वाले दिनों में इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करके देश की जनता को गुमराह न कर सकें। स्मृति ईरानी जी के खिलाफ, अमित मालवीय के खिलाफ और श्रीमती प्रीति गांधी के खिलाफ। तो आपने साफ तौर पर कहते हुए सुना कि ऐसी जो भी ऐसी चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम एफआईआर करेंगे और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को भी आना पड़ सकता है। बहुत कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री की स्मृति ईरानी के लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है इस तरह का एफआईआर। ये तो देखना आने वाले समय दिलचस्प होगा कि इसका क्या कुछ नतीजा निकलता है सामने। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।